पर और क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। हजारों कोटी वसुली करण्याचा धंदा या संस्थेच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे आणि त्यांना एक्सपोज केल्याशिवाय नवाब मलिक थांबणार नाही। मी आज आव्हान देतो त्या वानखडेला कि वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल। वहीं जेल भेजने की धमकी पर समीर वानखड़े ने भी जवाब दिया था। क्या कहा था वानखड़े ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, वो बहुत बड़े मंत्री हैं, तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने नवाब मलिक के बयान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के बयान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर उनसे इंफॉर्मेशन लूँगा और उनकी क्या वजह है, कैसे है, ये जान लूँगा। अभी मेरे पास फिलहाल कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। नवाब मलिक और समीर वानखड़े में आपको बता दें कि जिस तरह से विवादों का यह सिलसिला शुरू हुआ है, एनसीबी का बयान भी सामने आता है। एनसीबी के डीडीजी मुथा अशोक जैन ने क्या कहा वो भी सुनिए। एनसीबी में अप्लाई करने वाली बात है, उसकी डेट्स मैंने क्लियर किया, वो प्रोसेस 2019 से चल रहा है। दूसरा पॉइंट है उनके दुबई जाने के बारे में, तो उन्होंने एनसीबी ज्वाइन करने के बाद में दुबई के लिए कोई जाने का प्रोग्राम नहीं दिया है, ऑर्गेनाइजेशन को कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। तीसरा, वो परमिशन लेके मालदीव परिवार के साथ गए। तीनों चीज एब्सोल्युटली क्लियर है। नवाब मलिक के समीर वानखड़े पर सवाल उठाने पर बीजेपी नेता राम कदम ने क्या कुछ कहा सुनिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब खुलेआम कह रहे हैं कि वे समीर वानखड़े और उनके साथी अफसरों को जेल में डालेंगे। क्या गुनाह किया उन्होंने, कौन सा अपराध है उनका? क्या ड्रग माफिया पर कार्रवाई करना, ड्रग पेडलर को देश के सामने उजागर करना, क्या यह अपराध हो सकता है? कौन सी मानसिकता है महाराष्ट्र सरकार की? इनके मुख्यमंत्री समेत शरद पवार जी, इनके मंत्री लगातार पत्रकार वार्ता लेकर के किसे बचा रहे?